अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर ऐतिहासिक सेरी पवेलियन में हिंदू संगठनों और संत समाज ने हुंकार भरी। मंडी संसदीय क्षेत्र की इस संकल्प सभा में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर हजारों की संख्या में राम भक्तों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए हिंदू समाज को संगठित करने का आह्वान किया। भगवा रंग में रंगे सेरी पवेलियन में वक्ताओं ने कहा कि बहुत हुई बातें, बहुत हुई बहस, अब करो संकल्प। इस संकल्प सभा के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस के सह प्रांत प्रचारक संजय ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत अब राम मंदिर को बनाने से रोक नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि शाहबानो केस के लिए रातों रात कानून बनाया गया था, मगर राम मंदिर के मुद्दे को लटकाया जा रहा है, मगर अब हिंदू समाज संगठित और जागृत हो गया है और केंद्र सरकार को अब इसके लिए संसद में कानून बनाकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करना होगा। विश्व हिंदू परिषद के इस आयोजन के दौरान मंडी का सेरी पंडाल भगवा रंग में रंगा दिखा। सेरी चानवी से लेकर सेरी मंच तक भगवा पतकाएं और भगवा बैनर लगाए गए थे, जबकि सेरी मंच पर एक कतार में संत महात्मा और बीएचपी और आरएसएस के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मंच के पास ही सांसद राम स्वरूप शर्मा, परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर, विधायक विनोद कुमार, इंद्र सिंह गांधी, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर और पूर्व विधायक कन्हैया लाल भी मौजूद दिखे। तत्पश्चात मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा और उच्च न्यायालय में तीनों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जिस स्थान को विवादित स्थान कहा जा रहा है वह स्थान केवल और केवल प्रभु श्री राम का स्थान है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई उसमें साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया, लेकिन इस देश में मौजूद राम विरोधी शक्तियों द्वारा मामले को पुनः उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन तारीख पर तारीख मिलने के पश्चात हिंदू समाज का सब्र टूटा और 5 सितंबर 2018 को और 9 अक्टूबर 2018 को संतों की उच्चाधिकार समिति की बैठक और धर्मादेश बैठक जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुई, उस बैठक में यह आह्वान किया गया कि राम मंदिर निर्माण हेतु अब याचना निर्णय होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। इसी कड़ी में संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद ने सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जन जागरण हेतु विशाल सभाएं करने का निर्णय लिया और सांसदों को ज्ञापन देकर केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाया जा सके कि कानून बनाकर अथवा अध्यादेश लाकर प्रभु श्री राम जी के मंदिर भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो, ऐसा आंदोलन या जनमानस को प्रेरित कर ऐसा आंदोलन इस देश में खड़ा किया जाए।